and it is given dx upon 6x minus x square minus 5। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन करोगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद ही जो है आप बाई पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसे सेग्रीगेट कर लोगे, अलग कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप सेपरेट जब हो जाए उसके बाद इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, यही प्रोसेस है। अब देखिए इस तरह से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, चलिए हम देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है dx अपॉन 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5। ठीक, अब यह वैल्यू आप जब इंटीग्रल की फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइजेशन के पहले माइनस कॉमन कर लीजिए तो फैक्टराइजेशन और इजी हो जाएगा आपका। माइनस कॉमन कर लें आप और x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 5 प्लस में हो जाएगा, और सिक्वेंस में लिख लें, किसमें लिख लें, सिक्वेंस में माइनस कॉमन कर लें x स्क्वायर, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा 6x, और माइनस 5 है तो प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब 5 × 5 और 5 प्लस 1 6 होता है, तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर दें। तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे dx और ये क्या हो जाएगा माइनस, और x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x, 6 को कैन बी रिटन एज माइनस 5x माइनस x, 5 × 2 = 1 हो जाएगा ना, 5 × 5 तो 5 प्लस 1 6 यानी कि 5x और x तो 6x हो गया है, और प्लस 5। ठीक, अब जो है यहां पर माइनस को बाहर कर लीजिए, द डिनोमिनेटर माइनस बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dx यहां पर x कॉमन ले लेंगे, यहां पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से, x यहां से कॉमन हो जाएगा, माइनस 1 यहां से कॉमन हो जाएगा, यानी कि x जो यहां से कॉमन होगा x माइनस 5, और माइनस 1 यहां से जो कॉमन होगा x माइनस 5, क्योंकि माइनस कॉमन है तो बीच में प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस का माइनस। अब देखिए ये अलग हो गया माइनस, यहां dx और यहां पर x माइनस 5 और x माइनस 1, ये हो गया। अब दो पार्ट में अलग अलग हो गए जो हम पहले भी ऐसा किए हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सिंस माइनस 1 लेंगे, माइनस है तो माइनस 1 ऊपर ले लीजिए, इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 5 लिख सकते हो, इसे इंटीग्रेट यानी सेग्रीगेट कर दें, माइनस यानी कि a अपॉन x माइनस 1 एक पार्ट में, और इसे प्लस b अपॉन x माइनस 5 एक पार्ट में। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में इसे ले लेते हैं, यह क्या हो जाएगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा अलग करेंगे सबसे पहले हम। तो क्या करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है यहां पर उसे मल्टीप्लाई कर दें पूरा, तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 5 x माइनस 5 से कट जाएगा। ठीक, तो अधिक जगह ना होने के नाते ये मल्टीप्लीकेशन शो नहीं किया जा रहा है, आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर इसे यहां मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 x माइनस 1 से कट जाएगा, x माइनस 5 आएगा, तो a इंटू x माइनस 5 और प्लस b वाले में क्या होगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, और बचेगा क्या x माइनस 1, तो b इंटू x माइनस 1। क्लियर, अब जो है यहां पर वही प्रक्रिया जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि हम क्या रखें कि इसके कोएफिशिएंट जीरो हो जाए और इसके कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, बारी बारी से कोएफिशिएंट जीरो कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, आसान तरीका होगा बाई पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या ले देते हैं, x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 देन क्या हो जाएगा भाई, अगर x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और b खत्म हो जाएगा, तो माइनस 1 इक्वल टू a और माइनस यानी कि 1 माइनस 5 प्लस b 1 माइनस 1, तो b वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा क्या माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 a प्लस 0, माइनस 4 a प्लस 0,
अब यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस तो कट जाएगा, ए हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन माइनस फोर, यानी कि वन अपॉन फोर, ए की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन फोर। ये देखिए ए की वैल्यू हो गई वन अपॉन फोर। इस तरह से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखकर, जिससे कि आसानी से देखा जा सके कि इसकी वैल्यू क्या है, खोजना ना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए बी की वैल्यू रखते हैं, इफ एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, देन अगर फाइव रखेंगे तो ये फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि ए का पार्ट जीरो हो जाएगा, बी का आएगा। ठीक है, तो माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा ए फाइव माइनस फाइव प्लस बी फाइव माइनस वन, माइनस वन ए इंटू जीरो प्लस फोर बी, यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहली बात जो है यहां पर है क्या कि यह हम अलग अलग करने के लिए लिए थे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन x माइनस वन और x माइनस फाइव इक्वल टू हमने क्या लिया था a अपॉन, यानी कि वन अपॉन फोर, ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वन, ए के नीचे एक्स माइनस वन है, ए की वैल्यू वन अपॉन फोर है, ये लिख लिया माइनस, क्योंकि अब माइनस आया यहां तो माइनस हो जाएगा वन बाई फोर, और बी के नीचे क्या था एक्स माइनस फाइव, यानी कि ये दो पार्ट में अलग अलग हो गया और यह इसके इक्वल है। अब दोनों तरफ हम क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन साइन लगाने पर क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस ऊपर ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव डी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन बाई डी एक्स, ये भी होगा और माइनस वन बाई फोर वन अपॉन एक्स माइनस फाइव डी एक्स, तो वन बाई फोर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग, इंटीग्रेशन कर लीजिए एक्स माइनस फाइव प्लस सी, ये हो गया। अब अपॉन में आप कर लें वन बाई फोर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव प्लस सी, यह जो है इसका आंसर होगा। ठीक, तो आप ये देखें कि इस तरह से जो है यह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम।